हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया तिवारी। और आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक अनदर मेकअप लुक। क्या किया जाए जब हस्बैंड बार बार ये बोलें कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तुम बहुत टाइम लगाती हो तैयार होने में। इतने टाइम में तो मैं 2 से 3 बार जाकर आ भी जाता, जो कि मेरे घर में मैक्सिमम टाइम होता है। तो क्या किया जाए, मैं क्या करती हूँ उस टाइम पर, मैं एक फट सा क्विक वाला जो मेकअप लुक होता है जो मैंने अभी यहाँ पे कैरी की है, मैं ये कैरी करती हूँ, जो कि बहुत इजी है कैरी करना और बहुत मिनिमम प्रोडक्ट चाहिए होते हैं इसके लिए, तो ताकि मेरे हस्बैंड जो है उनको बोलने का मौका ना मिले और मैं अच्छे से रेडी भी हो जाऊँ। तो इस वाले लुक के साथ मैं लाई हूँ आपके लिए एक वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर बार बार आते हो बिगड़ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखना और एंड में उसे लाइक ज़रूर देना और एक छोटा सा कमेंट डाल के ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो मैं और वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और कुछ गलत है इसमें तो फिर वो भी लिख के बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि वो दोबारा गलती मेरे से ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेस पे मैंने अभी तक सिर्फ अप्लाई किया है प्राइमर, क्योंकि आपको थोड़ी सी शाइनिंग दिख रही होगी। प्राइमर के तौर पर मैंने अप्लाई किया है निविया आफ्टर शेव बाम, जो कि आप एज अ प्राइमर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये सीसी क्रीम, ज़रूरी नहीं है आप यही यूज़ करें, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए। बेसिकली यूज़ करने से मतलब है, और अच्छा होना चाहिए, आपके स्किन के टाइप का होना चाहिए। और मैं इसको ऑलमोस्ट पूरा पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, ये ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ी सी हमें लेनी है सीसी क्रीम। और उसके पहले बस मैं थोड़ा सा ये NYB का मेरे पास कंसीलर है, ऑरेंज करेक्टर है, नॉट ओ माय गॉड ट्रेजेडी, ओके बच गया है। तो ये थोड़ा सा मैं अपने फेस पे जो है जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा डार्क एरिया का प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। को ब्लेंड कर लेंगे, जरा फिंगर बेस्ट होती है। तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है और फटाफट से जो है मैं अब ये सीसी क्रीम डॉट्स बनाऊंगी इसके, छोटे छोटे से पूरे फेस पे। नेक को कभी मत भूलिए, और मैं फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। तो देखिए मैंने अपना पूरा ये सीसी क्रीम हाथ से ही ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि जब हस्बैंड जल्दी जल्दी करते हैं ना तो ब्रश ढूंढने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने इसको हाथ से पूरा अपने फेस पे लगा लिया है और मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। तो मुझे ये क्रीम काफ़ी पसंद आती है। और इसके अलावा फिर हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट, क्योंकि समर्स चल रहे हैं तो हमें ऐसे कॉम्पैक्ट की ज़रूरत है जो हमारे फेस को बिल्कुल मैट बना दे, मैटिफाई कर दे, ताकि पसीना आने से वो कॉम्पैक्ट उसको रोके। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लॉरियल मैजिक का मैट म्यूजिक सॉरी, और इसी में इसका जो स्पंज आता है उसी का यूज़ कर लूँगी मैं इसको अप्लाई करने के लिए। अब बारी आती है आंखों की, तो आंखों में मैं लगा लूँगी लैक्मी आइकॉनिक का ये ब्लैक काजल फटाफट से, ताकि मेरी आंखें भी बहुत सुंदर लगे। Thank you.
और काजल लगाने के बाद अब मैं आई लैश कर्लर वेगा का है मेरे पास ये, इसी से मैं अपने आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी। और आई लैशेज को कर्ल करते वक्त हमेशा आँखों को नीचे रखें ताकि वो अच्छे से कर्ल हो जाए, और 10 सेकंड तक उसी पोजीशन में रखें। अब ये वाली आई लैशेज देखिए और ये वाली देखिए। ये मेबलिन का द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा जो कि मेरी लैशेस को वॉल्यूम दे देगा। फटाफट से लिपस्टिक जो कि है मेरी फेवरेट, मैं यूज़ कर रही हूँ आज मेबलिन द लोडेड बोल्ड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये मेरा फेवरेट शेड है। अब क्या बचा, मेरा सिर्फ बचा है आईब्रो। तो आईब्रो के लिए क्या करूँगी, मेरा जो मस्कारा है ना इसी को एक्स्ट्रा जो है इस पर सारा निकाल के, और उसके बाद में इसी मस्कारा वॉन्ड से जो है अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा फिल कर लूँगी। सो ये कंप्लीट हो गया मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल, आपका जो आपको सूट करता हो आप वो रख सकते हैं। मुझे तो ओपन हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ओपन हेयर ही मैं मैक्सिमम टाइम रखती हूँ, तो मुझे ओपन हेयर ज़्यादा। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final. आज का वीडियो और ये लुक कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलूंगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।